हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज का जो सेट है वो है, अब आपके पास बचे हैं 17 दिन और 17 सेट आपको लगाने हैं। तो इसी तरह सेट लगाते रहिए और एकदम बिल्कुल उत्साह से जो है तैयारी में भिड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है पहला कि भारत में भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। कि भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करने वाले जो राज्य हैं ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु हैं, और इसका सबसे कम उपयोग करने वाले राज्य हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल। निम्न में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, किसी द्रव का प्रवाह, ये पृष्ठ तनाव के कारण नहीं होता है। और बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं कि साबुन या फिर डिटर्जेंट का जब यूज करते हैं हम लोग कपड़े वगैरह पे, तो मैल का दूर होना ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, वर्षा के बूंद का गोलाकार होना ये भी पृष्ठ तनाव के कारण, और गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, ये सभी इन्हीं के एग्जाम्पल हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शेर शाह ने नहीं करवाया था? आंसर है ऑप्शन डी, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और बाकी के ऑप्शन है दिल्ली की पुरानी किला, स्वयं का मकबरा यानी कि शेर शाह सूरी ने जो है अपना मकबरा यानी शेर शाह का मकबरा जो कि सासाराम में है उन्होंने खुद स्वयं प्रारंभ किया था बनवाना, उन्होंने कंप्लीट नहीं करवाया था लेकिन उन्होंने बनाना स्वयं शुरू किया था। रोहतासगढ़ का किला, ये इन सभी का निर्माण खुद शेर शाह सूरी ने ही करवाया। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा करती है? आंसर है ऑप्शन ए, चार राज्य। म्यांमार से भारतीय राज्य जो सटे हैं वो चार राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इतना याद रखें कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उससे आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाले हैं। एक KWH ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्न में से किसके बराबर होगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 3.6 × 10⁶ जूल। एक किलो वाट घंटा जो है ऊर्जा जूल में जब रूपांतरण होगा इसका तो किसके मान के बराबर होगा? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, यमुना। यमुना जो है ये गंगा की सहायक नदी है, बाकी झेलम, चिनाव, रावी ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 23 जुलाई को। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, मद्रास की संधि। और ये जो हुई थी मद्रास की संधि वो 1769 में हुआ था। इसके और भी सारे याद कर लीजिए, हो सकता है प्रथम आंग्ल ना पूछे द्वितीय पूछ लिया जाए। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो मंगलौर की संधि के साथ हुई थी 1784 में, और फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुई थी 1792 में। तो प्रथम मद्रास की संधि से, द्वितीय मंगलौर और तृतीय श्रीरंगपट्टनम की संधि से। भारत में निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, UTI। 1899 में किस वायसराय ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। कौन सा विद्रोह या आंदोलन का संबंध बिहार से नहीं था? आंसर है ऑप्शन डी, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह का संबंध असम से था। बाकी के ऑप्शन ताना भगत आंदोलन, पहाड़िया विद्रोह, नील विद्रोह, इन सभी का संबंध बिहार से रहा।
मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये कथन किसका है? आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू का। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र दिए गए हैं और उसके संस्थापक के नाम, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन सी कि तहजीब उल अखलाक के संस्थापक यहाँ पे मोहम्मद अली दिया गया है, तो गलत है क्योंकि तहजीब उल अखलाक के जो संस्थापक है, समाचार पत्र के संस्थापक, वो सर सैयद अहमद खां थे। बाकी के ऑप्शन सही है, अल हिलाल के मौलाना अबुल कलाम आजाद, न्यू इंडिया का एनी बेसेंट और संवाद कौमुदी का राजा राम मोहन राय थे। और इस सब टाइप के जो भी क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, वो जरूरी नहीं कि ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा जाए। हो सकता है इनमें से कोई एक आपसे पूछ दिया गया कि संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन है या फिर अल हिलाल के संस्थापक कौन है, तो ये सब क्या है कि ये इसलिए दिया जा रहा है कि समाचार पत्र से एक क्वेश्चन रह सकता है, तो जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगे वो सारे मैं ये जो आपका 20 दिन 20 सेट से जो मैं चला रही हूँ, तो जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन, मैं उसी के एग्जाम के व्यू को देखते हुए सारे क्वेश्चंस को दे रही हूं। और प्लीज आप एक बार सारे क्वेश्चन को माइंड में जरूर रखें। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, धूपगढ़। कहीं कहीं पे धूपगढ़ी भी लिखा हुआ रहता है। तो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है वो महादेव पहाड़ी में स्थित है। न्यू मूर द्वीप स्थित है कहां? आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 में। किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज न्यूटन ने किया था? आंसर है ऑप्शन सी, दृश्य विकिरण का। हिमालयी पर्वत क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? आंसर है ऑप्शन सी, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र इनकी, इसमें उत्तराखंड हिमालय की ऊंचाई पर स्थित घास के जो मैदान है उसे बुग्याल कहा जाता है। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? आंसर है ऑप्शन डी, सुभद्र। भारत के संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है और इसमें 29 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है और इसमें 18 विषय दिए गए हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कहां से शुरू किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन से। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है ऑप्शन बी, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 है, गलत है क्योंकि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो 11 है। बाकी के ऑप्शन सही हैं कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था, ये भी ऑप्शन सही है।
और यहाँ पे दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था, मूल संविधान का भाग ये नहीं था और संविधान का 42वां संशोधन 1976 में हुआ, ये भी ऑप्शन सही है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य क्रमानुसार इस प्रकार है। आंसर है ऑप्शन सी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल और फिर उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 23। दो या दो से अधिक पदार्थों की एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी विलयन, सॉल्यूशन कहा जाता है उसे। कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी उसे उत्प्रेरक कहते हैं। फूल का कौन सा भाग फल देता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अंडाशय। जलवायु परिवर्तन सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है ये जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा सालाना तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मध्य अंडमान के पूर्व में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बारन द्वीप है जो कि मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। सिंधु की विभिन्न सहायक नदियां और उनके उद्गम स्थलों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? तो आप वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए और फिर अच्छे से सारे ऑप्शन को देख लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मिलान दिया गया, मैं यहाँ बता देती हूँ। झेलम का जो उद्गम स्थल है वो बैरीनाग झरना, यानी कि ये बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। रावी नदी का उद्गम स्थल ये रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। ब्यास नदी, ये ब्यास कुंड जो कि ये रोहतांग दर्रे के निकट ही है, ब्यास कुंड से निकलती है। और सतलुज ये राकसताल झील से निकलती है। भारत में सर्वप्रथम हाईकोर्ट की स्थापना किन जगहों पर की गई? आंसर है ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, यानी कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। जल की अस्थाई कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण। तो याद रखिएगा इसे कि जल की अस्थाई कठोरता जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। अस्थाई कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस, और अस्थाई कठोरता यानी कि टेम्पररी हार्डनेस अगर पूछा जाए कि ये किसके कारण होता है, तो इसका आंसर आपको ये देना होगा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में दिया भी गया है कि अस्थाई पूछेगा मैग्नीशियम और कैल्शियम का सल्फेट, और अस्थाई में सिर्फ आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण। मनिका बत्रा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? आंसर है इसका ऑप्शन बी टेबल टेनिस से। और इन्हें जो है 2020 में, सॉरी मनिका बत्रा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्न में से कौन सी है?
आंसर है इसका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया किस दौरान? आंसर है ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, संविधान का पांचवा भाग दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित, तो यहाँ पे गलत है क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का संबंध भाग चार से है और नीति निर्देशक तत्व का जो है अनुच्छेद भी याद कर लीजिए कि 36 से 51 अनुच्छेद तक वर्णित है। बाकी का ऑप्शन को देख लेते हैं। और हाँ, पांचवा भाग जो है संविधान का पांचवा भाग वो संघीय कार्यपालिका से है और बाकी का ऑप्शन है संविधान का दूसरा भाग ये नागरिकता से, संविधान का तीसरा भाग मूल अधिकार से और संविधान का चौथा का क भाग जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। रेपो दर को नियमित करता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। गर्म पानी अभयारण्य कहां स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, असम में। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, कि यह एक विधिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड की स्थापना दिया गया 1813 में, तो ये गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1823 में की गई थी। बाकी का ऑप्शन सही है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में की गई थी। किस वर्ष को भारत के जनांकी का विभाजन कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 1921 को। इसे महाविभाजन के नाम से जाना जाता है। इस दौरान 1911 से 1921 के दौरान जो है भारत की जनसंख्या की 10% वृद्धि ऋणात्मक रही थी। प्रकाश संश्लेषण में? आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर व आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। निम्न में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का क्या अर्थ है? आंसर है ऑप्शन ए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 में हुई थी। पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है? आंसर है ऑप्शन सी, पंचायत के प्रथम अधिवेशन के नियत तिथि से। निम्न में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? आंसर है ऑप्शन बी, आइरिस। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, ओम मीटर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णय तथा आदेश के पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत।
राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल एक सही है कि बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है, तो ये कथन यहाँ पे सही था। दूसरा देख लेते हैं कि बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है, तो यहाँ पे गलत है क्योंकि बायोगैस जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का के गैस का मिश्रण है। निम्नांकित में से किस वायसराय ने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी, 1953 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। निम्नलिखित कोशिकांग में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, जीव द्रव्य कला में कोशिकांग नहीं पाया जाता, मतलब कि कोशिकांग में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। निम्न में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचन एंजाइम है? आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी माल्टोज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सभी पाचक एंजाइम हैं। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका साह के नाम से जाना जाता था? आंसर है ऑप्शन बी, मौलवी अहमदुल्लाह को। प्रहार एक है क्या? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सतह से सतह मार करने वाला एक मिसाइल है। हड़प सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संबलपुर का। हड़प सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, जौनपुर का। हड़प सिद्धांत को व्यपगत का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इसे जो है ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी हड़प सिद्धांत, और इसके तहत हड़प नीति के तहत सतारा को जो है सबसे पहला शिकार बनाया गया 1848 में। फिर संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सभी जो है इनका शिकार हुए। निम्न में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? आंसर है ऑप्शन सी, बिहार किसान आंदोलन का। बिहार किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वो सहजानंद सरस्वती थे। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, भाग 15 में। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। एक चीज और, आपके पास अगर कोई बुक है तो देख लीजिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन कौन सी चीजें उसके अंतर्गत आती है, उसके अनुच्छेद एक बार सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा।
भरतनाट्यम नृत्य संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु से। निम्न उत्तक प्रकारों में से किस में संकुचनशील प्रोटीन होता है? आंसर है ऑप्शन ए, पेशी उत्तक में। भारत में 1993 में निम्न में से कौन सी गरीबी उन्मूलन योजना प्रारंभ की गई थी? आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गणित के क्षेत्र में। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, क्रोमियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग के रूप में वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर योजना 1934 के द्वारा। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस केंद्र शासित का लिंगानुपात सर्वाधिक है? आंसर है ऑप्शन ए, पुदुचेरी का। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन ए, ब्लू बुक का दिया गया है कि ये पुर्तगाल व चीन की सरकारी रिपोर्ट है, तो यहाँ पे गलत है क्योंकि ब्लू बुक जो है ये ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट है। बाकी का ऑप्शन सही है, ग्रे बुक बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट है, येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है और ऑरेंज बुक ये नीदरलैंड सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। तो ये थे 80 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि इसमें स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।